देखिए, अपन ने रस निकाल लिया है और आंवले भी तैयार है अपने। इस कढ़ाई को गैस पे रखा है अपन ने मीडियम फ्लेम पे। जितने अपन ने आंवले लिए हैं उसी क्वांटिटी में अपने को गुड़ भी लेना है। अब इसे मेल्ट करेंगे और आंवले मिलाएंगे। गुड़ मेल्ट हो गया है, मैंने ऑर्गेनिक गुड़ लिया है इसलिए इसको ना अपन छान रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। इसमें मैंने पानी भी नहीं डाला है, सिर्फ आंवले डालेंगे क्योंकि आंवले में ऑलरेडी पानी है तो वो अपना पानी छोड़ देगा। आप देखिए 5 मिनट बाद ये किस तरह से हो गया है। कुछ ही देर में आंवले ने भी अपना पानी छोड़ दिया है और चाशनी तैयार हो गई है गुड़ की। अब इसमें अपने को तब तक पकाना है तक ये पक ना जाए पूरी तरह से आंवले। आप देखिए मुरब्बा करीब करीब तैयार है, बस 5-7 मिनट और लगेंगे इसे तैयार होने में, बहुत ही जल्दी बन जाता है। आधा चम्मच में इसमें काली मिर्ची मिला रही हूँ। नमक आप स्वाद अनुसार मिला लें, मैंने 1 चम्मच डाला है सेंधा नमक। और आधा चम्मच में सौंठ पाउडर भी डाल रही हूँ, मतलब अदरक का पाउडर, जिंजर पाउडर। मिक्स करेंगे और 5 से 7 मिनट में ये तैयार। मुरब्बा बनकर तैयार है, इसे बनने में 15 मिनट लगे हैं सिर्फ। इसे अब आप ठंडा होने के बाद साफ कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं, बाहर भी और फ्रिज पर भी।